नमस्कार, जेके न्यूज़ पॉइंट लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिंसी कोल। तो जहां बात करते हैं, आए दिन बड़े बड़े सड़क हादसे जो है वो देखने को मिलते हैं। बात करें अगर जम्मू कश्मीर की, तो यहां पर भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें बहुत सारी मासूम जानें जो हैं वो चली जाती हैं। कहीं ना कहीं ऐसे भी कारण रहते हैं, आपने भी देखा होगा कि बहुत सारी महिलाओं के जो दुपट्टे हैं वो टू व्हीलर वाहन में पीछे फंसने की वजह से वह पीछे से ही गिर जाती हैं, या तमाम और भी अगर हम बातें करें, ऐसे हादसे आए दिन दिखने को मिलते हैं। लेकिन इसी बीच अगर हम बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट रोड एंड हाईवे की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है, जो कि पूरे भारत में यानी हर एक प्रदेशवासी को ये रूल्स जो है वो अपनाने होंगे। अब ये रूल्स किस प्रकार से है, खास तौर पर अगर स्पेसिफिकली मैं कहूँ तो जो दो पहिया वाहन चलाते हैं, यानी जिनके पास स्कूटी या बाइक्स है, लेकिन स्कूटी तो चलिए उसका हम ये कह सकते हैं कि वो पूर्ण रूप से कवर्ड होती है, लेकिन स्पेशली बाइक की अगर मैं बात करूँ तो बाइक के लिए ये रूल्स जो है बहुत ही अनिवार्य निकाले गए हैं। तो जितने भी हमारे दर्शक हैं, अगर आप भी दो पहिया वाहन चलाते हैं तो आप तक भी ये गाइडलाइंस पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान से सुनिए कि क्या कुछ नए रूल्स जो हैं वो खास तौर पर बाइकों, जो बाइक लोग चलाते हैं उनके लिए निकाले गए हैं। बहुत सारे इसमें यंग जनरेशन के लोग जो आजकल मॉडिफाई करवाते हैं अपने व्हीकल्स को, उनके लिए ये एडवाइजरी बहुत ही ज़रूरी है और महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट रोड एंड हाईवे की तरफ से एक नई गाइडलाइन जारी की गई है दो पहिया वाहनों के लिए। इसमें ये कहा गया है कि अब जो बाइक के पीछे कोई भी सवारी, यानी आपका फ्रेंड, आपका रिलेटिव, कोई भी आपके साथ बाइक पर बैठता है, उसमें अब हेड होल्ड लगाना जो है वो बहुत कंपल्शन हो गया है। यानी बाइक पे जब भी आप जाएंगे, आपके पीछे कोई बैठेगा या नहीं भी बैठेगा, तो एक हेड होल्ड लगाना अब बहुत ज़रूरी है दो पहिया वाहन में। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें बाइक के लेफ्ट साइड की, यानी जो जब भी जो बाइक सवार होते हैं, आप भी इसको रिलेट कर रहे होंगे कि जो लेफ़्ट साइड होता है बाइक का, वो मोस्टली ओपन होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब कभी हमारे साथ हमारी मदर या हमारी सिस्टर्स या कोई भी रिलेटिव हमारे साथ बैठते हैं, तो मोस्टली ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं कि दुपट्टा कभी फंस जाता है। उसके चलते हुए ये कहा गया है कि जो लेफ़्ट साइड होगा बाइक का वो पूर्ण रूप से कवर रहेगा, यानी जो लेफ़्ट साइड बाइक का होगा उसे कवर रखना पड़ेगा, और ये कंपल्शन कर दिया है। और ये भी आपको बता दें कि बहुत सारे लोग जो कामकाज करते हैं, अगर हम बात करें, कुछ लोग जो है वो दूध बेचने का काम करते हैं, हैवी कंटेनर्स मोटर बाइक बाइक्स पर लेकर चलते हैं, तो उनके लिए भी एक निर्देश जारी किया गया है कि जो भी कंटेनर आप अपनी बाइक पे लेंगे उसमें आपको साफ तौर पे बता दें कि उसकी चौड़ाई जो है वो 550 ml होनी चाहिए और उसकी जो ऊँचाई है वो 500 ml से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और बहुत ज़रूरी है कि अगर इस किसी की भी 500 ml से ज़्यादा ऊंचाई होगी किसी कंटेनर की, तो उसके खिलाफ चलान भी काटा जा सकता है, उसके खिलाफ एक कार्रवाई भी की जा सकती है। खासतौर पर वो लोग जो सुबह दूध बेचने के लिए जाते हैं, अपना काम काज करते हैं, या दुकान का गोदाम का सामान कुछ भी ऐसा लाते हैं, तो आप ये खासा ख्याल रखें जो कंटेनर आप अपने साथ कैरी करेंगे वो 500 ml से ज़्यादा उसकी ऊँचाई नहीं होनी चाहिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट इसमें है कि जिन लोगों ने अपनी बाइक्स के टायर्स को मॉडिफाई किया हुआ है, आपने देखा होगा कि आजकल जो बाइक के टायर्स हैं उन्हें मॉडिफाई किया जाता है। जो पिछला टायर है आपने भी अलग अलग कलर के रंग उसमें देखे होंगे, या जो टायर का वज़न है उससे बढ़ा दिया जाता है। तो इन्होंने ये भी कहा है कि आप किसी भी प्रकार का मॉडिफाई अपने टायर को नहीं कर सकते। तो ये इसमें जो है साफ तौर पर लिखा है, एक इक्विपमेंट होगा ट्रैफिक पुलिस के पास जिस द्वारा पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की जाएगी सिस्टम की, आपके टायर में हवा कितनी है, क्या आपने उसको कुछ अपडेट किया हुआ है, और भी अन्य जो चीज़ें हैं वो जांची जाएंगी। तो आपको मैं बता दूं कि खास तौर पर ये नए रूल्स जो हैं ये जम्मू कश्मीर में भी अब लागू किए जाएंगे। अब देखना ये होगा कि ट्रैफिक विभाग इसे किस तरीके से लागू करता है। जितने भी हमारे दर्शक हैं, आप में से भी बहुत से लोगों ने देखा होगा कि जैसे बाइकों की बात करते हैं, खासतौर पर बुलेट बाइक्स की, वहाँ पर भी जैसे वो पटाखे उड़ाने की आवाज़ आती है जिससे नॉइस पोल्यूशन कहीं ना कहीं फैलता है। तो टू व्हीलर्स जितने भी हैं उनके लिए साफ तौर पर कर दूँ कि आपके लिए गाइडलाइंस निकाली गई है। और यमते सही तमाम दर्शक छु भवनों की, अगर तो निश्चु मोट बाइक स्पेशली तौर पर, अगर तो निश्चु मोटर बाइक 161 आमुद की पूरे हिंदुस्तान मन जिगस बन अप्लाई यमजन, अगर इस कथ करो ट्रैफिक पुलिस से हंस, तो ट्रैफिक पुलिस है अक बड़ बार कदम तुलित। अगर तो इच्छु पनुन टायर यूजन बाइक हूँ टायर छु आसन, अगर तो इच्छु मॉडिफाई करना उमुद, या वन यमजन अगर ऐसे खोवर साइड वन हो तो खोवर साइड छु आसन बाइक उक तेमिस छु वन पूर पेट कवर करूँ, क्या इसकी तो इतु छु बोझ मुद की वारिया एक्सीडेंट छु गसान, अगर जम्मू कश्मीर हंस अगर इस कथ करो त
तो बे अख इम्पॉर्टेंट ये वन कि यम जन लुक पुन कारोबार करान तम कंटेनर थवान बाइक पे मगर वन वन आमुत कि अगर 500 मिली लीटर ज्यादा खुद बोर्ड अगर कंटेनर तुम थो बाइक पे तुहद पे हकन ट्रैफिक पुलिस अख स्ट्रिक्ट एक्शन तुलित तो जरूरी कि गाइडलाइंस जारी गसान तो गई पूर पे हूँ पालन करूँ तो बहुत ज़रूरी है कि जो एडवाइजरी आप तक पहुँचाई जाई है वो पहुँच सके। और इसी बीच में खान क्यूब लिख रहे हैं अदसा तो इसी में कौशल पूर्व फिक्री तरह वोटसब हिंदी लैंग्वेजेस मन अपडेट करान यम तो जन खबरन हूँ अपडेट जो आसान पचस बह कौशल लैंग्वेजेस तो कौशल लैंग्वेजेस मन तो अपडेट वनान क्या कि मैं छुपाई कि यम जन सी फैमिली जे के न्यूज़ पॉइंट लाइव हूँ यमन मन तमाम यम लुक यम तो जन यसान कि यम तो जन बह अपडेट छस करान यम गई कौशल लैंग्वेजेस मन तो आसन क्या कि अड़न चुन कौशल तगान के वन क्या करो तमन खतर छु गोड हिंदी मन वन पे कौशल लैंग्वेजेस मन वन तो यह जन एडवाइजरी यम थो ख्याल क्या वन वन कि कित कर्न पूरे इम्प्लीमेंट जम्मू कश्मीर मन और बहुत ज़रूरी है कि इस का पालन सब लोग करें और ज़्यादा अपने वाहनों को मॉडिफाई ना कराएं। जो ये एडवाइजरी है ये स्पेशली जो लोग जिनके पास बाइक्स है उनके लिए है और जो भी लोग इस प्रकार से अगर आपने मॉडिफाई वगैरह करवाया है तो आप अपना ख्याल रखिए आपके वाहन का, उस पर एक बड़ी कार्रवाई जो है वो ज़रूर की जा सकती है। तो इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है कि जो लेफ़्ट साइड बाइक का कवर करने के लिए कहाँ है क्योंकि दुपट्टे वगैरह ऐसे फंस जाते हैं और बहुत सारे बड़े बड़े हादसे भी इसमें पेश आते हैं और बहुत सारे जो दर्शक हैं वो कहीं ना कहीं इस बात से रिलेट भी कर पा रहे होंगे। तो वहीं पे बहुत ज़रूरी है कि ये जानकारी तमाम जितने भी हमारे दर्शक हैं उन तक पहुंचाई जाए ताकि आप लोग पहले से ही सतर्क रहे, जागरूक रहे कि क्या कुछ रूल्स जो हैं वो साफ तौर पर निकाले गए हैं ताकि ट्रैफिक विभाग आप पर कोई भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई ना करे और आपको भी नियमों का पालन होना बहुत ज़रूरी होगा। और इसी बीच एक और बात बता देती हूँ कि जो दोनों जो टू व्हीलर है, चाहे आप स्कूटी चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, उसमें जो पीछे शख्स आपके बैठे हैं अब उन्हें भी हेलमेट पहनना बहुत कंपल्सरी है। देखिए ये रूल्स, ये वाला रूल जो मैं आपको बोल रही हूँ ये बेशक पुराना है लेकिन अभी भी देखा गया है कि बहुत सारे लोग जो पीछे बैठते हैं टू व्हीलर के वो हेलमेट नहीं पहनते। तो आपको बता दूँ कि हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है जो ड्राइव भी कर रहा है और जो उनके पीछे भी बैठे हैं, क्योंकि हमें अपना जो जीवन है वो ऐसे ही व्यर्थ नहीं करना है। बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ों का ख्याल रखिए और कोशिश करिए कि जो भी एडवाइजरी जारी की जाती है उसका पूर्ण रूप से पालन करें ताकि कोई बड़ा हादसा जो है वो ना पेश आए। तो साफ तौर पर ये जो एडवाइजरी है, जो ये गाइडलाइंस जारी की गई है, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं लागू की जा रही है, ये पूरे भारत के लिए लागू की जाएगी। लेकिन अब ये जो है अगर हम बात करें साफ तौर पर जम्मू कश्मीर में, ये अब जम्मू कश्मीर में भी इम्प्लीमेंट की जाएगी कि जो दो पहिया वाहन है, सबसे पहली एडवाइजरी कि अब जो उसमें आप जो लेफ़्ट साइड है बाइक का वो कवर रहेगा। और इसी के साथ साथ जहाँ मैंने बताया आपको हेड होल्ड्स की, तो हेड होल्ड वो बाइक पे लगाना कंपल्शन है। और ये भी मैंने आपको बताया कि जो कंटेनर लेकर आप चलते हैं बाइकों पे उसकी ऊंचाई 500 ml से ज़्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए और चौड़ाई की बात करते हैं तो 550 मिली लीटर चौड़ाई उसकी होनी चाहिए। अगर 500 मिलीलीटर से लंबी ऊंचाई किसी कंटेनर की पाई जाती है तो उस पर ट्रैफिक विभाग एक कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है साफ तौर पर कर सकता है। और चौथा रूल इसमें ये बताया गया है कि अगर आपने अपने टायरों को मॉडिफाई कराया है किसी भी प्रकार के, उसमें टायर के साइज़ को एनहेंस करने की कोशिश की है तो उस पर भी ट्रैफिक पुलिस एक बड़ी कार्रवाई कर सकती है। तो अगर आप इस तरीके से अपने बाइक के साथ मॉडिफिकेशन कराते हैं या कुछ भी ऐसा कराते हैं जो नियमों में लिखा है, ये चार के चार रूल खास तौर पर जो बाइक सवार है, जो बाइक चलाते हैं उनके लिए है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में भी ये नियम जो है लागू कर दिए जाएंगे। तो बच्चे जो एहसान की हम तो सही तमाम दर्शक जो तो ये थे खास ख्याल क्या है कि अगर ट्रैफिक पुलिस कई पानून यूजन अगर इस बनो कि तुम छे खड़ा आसानी चप चप तो कोशिश ये करियो कि ट्रैफिक अगर पुलिस तो रेट एम ब्रोंट ही करियो पनु न्यूम जन व्हीलरन हूँ तो इच्छू मॉडिफाई करनो मुत या रूलन हंस अगर इस कत करो यूमन रूलन हूँ करियो पूर्पेट पालन। तो वहीं पे बहुत सारे दर्शक जो है वो मेरे को कमेंट भी मैं देख रही हूँ कि कोई लिख रहे हैं हिंदी से आप कश्मीरी तो कश्मीरी में भी पहुँच जाती है क्या, क्योंकि बहुत से दर्शक चाहते हैं कि मैं कश्मीरी में भी बोलूं। तो ये आपको रूल बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरफ से साफ तौर पर निकाले गए हैं जिनके पास बाइक्स हैं। मैं फिर से एक और बार दोहरा दूं क्योंकि बहुत सारे जो हमारे जेके न्यूज़ पॉइंट लाइव की जो टीम है, जो हमारी फैमिली है, जो हमारे दर्शक हैं वो अभी और नए जुड़ चुके हैं कि चार नए रूल
दोबारा से जो है मैं आपको बताऊं कि 4 नए रूल दो पहिया वाहनों के लिए निकाले गए हैं कि आपको हेड होल्ड जो है वो कंपल्शन हो गया है बाइक पे लगाना, हेलमेट पहनना दोनों व्यक्तियों के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका खासा ख्याल रखें। और तीसरा आपको बता दूं कि जो लेफ्ट साइड है यानी जो लेफ्ट साइड होता है बाइक का उसे अब कवर करना होगा ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं और ये जो रूल्स निकाले गए हैं ये इसको देखकर निकाले गए हैं कि जितने भी आज तक हादसे होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं टू व्हीलर पहिया की, उसमें प्रॉब्लम कौन सी चीज़ें ज़्यादा क्रिएट करती हैं जिससे एक बड़ी वारदात जो है उसे अंजाम मिलता है। और बहुत सारे लोगों ने ऐसे जो है दुर्घटनाएं सड़कों पर होती हुई भी देखी हैं। तो ये लेफ्ट साइड जो बाइक का आपका है वो कवर होना चाहिए। और थर्ड जो मैंने कहा कि जो लोग दूध वगैरह बेचने का काम करते हैं या सामान बाइक्स पर लेते हैं, अगर आप कोई भी कंटेनर अपनी बाइक पर रखते हैं तो उसकी ऊँचाई जो है वो 500 मिलीलीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर उससे ज़्यादा होगी तो आप पर एक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और फोर्थ, जो टायर्स हैं बाइक के उन्हें आप मॉडिफाई नहीं करा सकते, उसकी जांच पड़ताल होगी। तो खासा ख्याल रखें और इन नियमों का जो है वो साफ तौर पर पालन करें। और मैं यही चाहती हूँ कि सब तक ये खबर जो है जल्द से जल्द पहुँचे इससे पहले कि ट्रैफिक विभाग आप पर कार्रवाई करे। तो खासा ख्याल रखें और ज़रूरी है कि इस प्रकार के नियम जो है वो बनाए जाए ताकि आम जनता की सुख सुविधा भी हो और साथ ही साथ जो आए दिन हादसे जम्मू कश्मीर में होते हैं इससे भी कहीं ना कहीं इसमें राहत मिल पाएगी। जैसे पहले भी आपको कहा कि बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो उनकी ऐसे जो है वो डेथ हो जाती है दुपट्टा फंसने से लेफ्ट साइड जब बाइक में, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती है। चलिए इनका ख्याल जो है अब हमें हमारे हाथों में है कि किस तरीके से रखना है। तो बच्चे सो यसान की यम तो सही तमाम दर्शक छो तो ये करियो पूर पेट यम धुन पालन तब एक खास ख्याल थे यम साथ तो इच्छू खास तौर पर बच्चे सो बे एक लेट बनान की खास तौर पर अगर इसका करो यम जन टू व्हीलर छ चलावन यानी बाइक छ चलावन क्या इसके आज एक यूथ हंस अगर बकात कर आज एक यूथ छ सुपर फास्ट बाइक चलावन तिम छन वन खोवर क्या छु तो दक्षिण क्या छु तिम छ सुपर फास्ट स्पीडस मन ग। तो बच्चे सो सारी यम जन पेरेंट छ मैं वन तिमन अपील करान कि पन बचन हिचनयू कि कित कन छु अख लाइफ सन इम्पॉर्टेंट आसान तो यम लाइफस मन चॉइस सारी कह करुन मगर अक तरीक सान। तो ये जो एडवाइजरी गाइड जो गाइडलाइंस जो जारी किए गए हैं, जो रूल्स नए नए ट्रैफिक विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं, इनका हम पालन करेंगे और जब भी हम बाइक अपने घरों से बाहर निकालेंगे तो इसका खासा ख्याल रखेंगे। तो फिलहाल अब ये अपडेट जो है साफ तौर पर निकल कर आ रहा था तो इसी अपडेट के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। तमाम दर्शक विंत परान की उम्र छेगा ज़रा कश्मीरी करिए तो बुझे कौशर मज तुंद वन इन ब्रोड ही स्टार्ट करन वन इन कोशर कैस के मैं छुपाई तो असर लगान। तो अब इसी अपडेट के साथ मेरे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।